कल वाली वीडियो पे जो अपन ने चैलेंज रखा था कि व्यूज़ से ज़्यादा कमेंट होने चाहिए या फिर व्यूज़ जितने ही कमेंट होने चाहिए, तो फ़िलहाल के लिए अभी सीन ये है कि व्यूज़ ज़्यादा हैं कमेंट कम है। लेकिन कल कुछ समय के लिए ऐसा हुआ था कि व्यूज़ कम थे कमेंट ज़्यादा थे। नहीं, सच में ऐसा हुआ था भाई। साला व्यूज़ कम थे और कमेंट ज़्यादा थे भाई। लगभग कल 2 घंटे के लिए ऐसा हुआ था कि कमेंट व्यूज़ से ज़्यादा थे। मतलब शॉकिंग है काफ़ी सुनने में, लेकिन सच में ये हुआ था भाई। और अभी भी जाके चेक करोगे ना, जाके अगर उस वीडियो पे चेक करोगे तो तुम लोगों को 600 से भी ज़्यादा, लगभग 700 के आसपास कमेंट देखने को मिल जाएंगे उस वाले वीडियो पे। मतलब अब तक अपने किसी भी वीडियो पे इतने कमेंट्स नहीं हुए थे। ये हाईएस्ट कमेंट वाला वीडियो हो चुका है। तो यहाँ पर कल वाले चैलेंज के जो विनर्स हैं, हाँ अभी के लिए तो कमेंट कम है व्यूज़ से, लेकिन कल जो सीन हुआ था वो देखते हुए, मतलब कमेंट ज़्यादा हो गए थे तो वो देखते हुए विनर तो ऑडियंस ही निकली भाई। मतलब कुछ ज़्यादा ही क्या कहते हैं बवाल कर दिया था। और मतलब ये सब करके क्या क्या साबित करना चाहते हो तुम लोग बे? मेरे को हराना साबित करना चाहते हो एकदम ना, कि देख हार गया तू? नहीं, मैं नहीं हारा। तुम लोग जीत गए, ठीक है, तुम लोग जीत गए वो ठीक है, लेकिन मैं नहीं हारा, मैं मानेगा नहीं। तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सभी के? आ गया हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। हाँ, खंडर के बीच में खड़ी लिए मतलब मेक अपनी। और अभी ये कौन है भाई? बांगड़ू भूतनी का इधर ही एंट्री मार रहा है डायरेक्ट भाई, डायरेक्ट इधर ही, इतनी जल्दी ऐसे कैसे सीन है बे? सीधा चल के आ रहा है अपने को दूर से देख के, एकदम मुंडी टेढ़ी करके, मतलब पता कैसे चला? ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई बस ऐसे ही इत्तेफाक से आ रहा था। नहीं बे, वो अपने को मुंडी टेढ़ी करके देख रहा था। क्या सीन है? तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि बांगड़ू ने भी अपने को बहुत दिन बाद देखा है और कोई पुरानी खुन्नस की वजह से ठीक अपने पीछे आ गया भाई, बिना कुछ सोचे ना समझे, बम्बू लेके, बैट लेके अपने पीछे आ गया डायरेक्ट शर्ट खोल के। मतलब भाई देखते हो साले की भाईगिरी, देखते हो शर्ट खोल के बम्बू लेके अपने पीछे भाग रहा है, मतलब बॉडी दिखाता है शर्ट खोल के, देखो डेढ़ पसली को। अगर कोई तेज हवा चल गई और कोई पेड़ का पत्ता आके इसको लग गया भाई सीधा सामने चेस्ट पे, तो दौरे पड़ जाएंगे इसके, वाट लग जाएगी, हॉस्पिटल में दिखेगा सीधा। तो ठीक है, फिलहाल तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, अपनी वाट तो लगी नहीं अब तक, और बंदे अपने लगे होंगे जनरेटर पे। बस ये आए, अपन यहाँ से फुट लें निकल लें। अबे लॉकर में से ब्लेड निकाल रहा है भाई, लॉकर में से ब्लेड निकाल रहा है, चलो बढ़िया है। तो निकाल आराम से, अपन यहाँ से निकल लेता है, तो निकाल अपन निकल लेता है कि नहीं भाई? इधर रुकेंगे, ये थोड़ा अच्छा है, बढ़िया है एकदम। ओके, तो यहाँ पर बुढ़ऊ भाई, बुढ़ऊ के पीछे पड़ चुका है, बुढ़ऊ को एक पड़ गई है और बढ़िया है। आखिरकार बुजुर्ग के पीछे और डाउन भी कर दिया भाई, यही कर साले, तो कुछ नहीं होगा तेरे से, बस बुढ़ऊ को ठोक, बुढ़ऊ को डाउन कर, फिर जाके शर्ट खोल के घूम कि मैंने बुजुर्ग की वाट लगा दी, यही करता है भाई ये। और बुढ़ऊ भी कम हरामी थोड़ी है, वो भी साला अपने आप को कुछ ज़्यादा ही देर शाना समझता है। डाउन होने बाद इसको बोलता होगा, रुक साले मैं तेरे जितना बड़ा हो जाऊँ फिर बताऊँ, ऐसी तो हरकत करता है भाई बुढ़ऊ, एड़ा है वो भी, फुल एड़ा। फिलहाल इसको उतारना पड़ेगा चल के, देखो साले को, देखो कैसे झूल रहा होगा, मुंह में बीड़ी पकड़ के, सिगरेट पकड़ के, ये देखो, देख रहे हो? और कितना बड़ा होगा भाई, अभी तो बच्चा है क्या है साले? पैदा ही बुढ़ा हुआ था क्या? कुछ भी बोलता रहता है। तो अभी भाई इस पर काम करते हैं, यही अच्छा होगा, इन सालों को चलने दो जो भी चलता है। तो क्या लगता है भाई अपना बांगड़ू किसको टारगेट करेगा? जहाँ तक अपने को लग रहा है बुढ़ऊ के पीछे, ये देखो बुढ़ऊ के पीछे ही जाएगा, बोलेगा बुढ़ऊ सबसे खतरनाक है, उसको ही मारेगा, मालूम है बुजुर्ग है, ज़्यादा भाग नहीं पाएगा। और यहाँ पर अभी ड्वाइट को पड़ गई है, ड्वाइट आया होगा लाड में, बीच में कूद गया होगा है ना, लाड में आके बोला होगा हमारे दद्दू को पेलोगे, हम तुमको पेले ही देते हैं। बस फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, बांगड़ू ने एक रख के दिया होगा, बोला होगा दद्दू पेले गए तुम भी पेले जाओगे, देखो पेला तो गया, भाग रहा होगा अभी चिल्लाते इधर से उधर। फिलहाल अपना जनरेटर हो गया, अभी एक ही जनरेटर पे काम करना है, हो जाना चाहिए। और यहाँ पर बांगड़ू बोले तो एकदम आसपास है, साला जनरेटर जैसे ही कंप्लीट हुआ, ये कौन है? ड्वाइट साले,
भाई लोग यहाँ पर ड्वाइट ढक्कन आ चुका है पांगड़ों को लेके, मतलब अपनी परेशानी अपने साथ लेके घूमना, मतलब अपने साथ ही लेके घूम रहा है, लेकिन अपने पे क्यों आया ये देखो, लेट गया लंबा लंबा उधर। अरे बांगड़ू, बांगड़ू को पता है क्या मैं था उधर, देख रहे हो साले को, देख रहे हो? चल निकल जा तू साले, निकल जा, मैं उठा लेता हूँ ड्वाइट को जल्दी से, थोड़ा सा टाइम मिल जाए भाई ड्वाइट को उठा लेते। चलो बस बांगड़ू, बांगड़ू रिटर्न ना आ जाए, यू टर्न ना मार दे साला, कोने में मुँह छुपा के बैठा। अबे तेरी भाई, लग गई अपनी, कोई नहीं निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे भाई, टेंशन की बात नहीं, बस ये अपन मारे कल तेरी। भाई शॉर्टकट क्यों लेते हैं यार ये लोग, चीटिंग करते हैं साले, शॉर्टकट लेते हैं भाई। आपन भी चाहता तो शॉर्टकट लेके वहाँ से कल्टी मारता, लेकिन आपन ने कुछ ऐसा किया नहीं, किया ना। लेकिन ये साला चिरकुट बांगड़ू लकड़ बग्घे की तरह हंसते हंसते शॉर्टकट लेके आखिरकार अपने को दे दिया फटका। चलो कोई नहीं, निकल जाएंगे भाई, आराम से निकल जाएंगे, टेंशन की बात है नहीं। हवेली में आ चुके हैं, हवेली बोले तो बेस्ट एकदम। आपन हवेली में आ गया तो भाई वहीं से किलर लोग की फट जाती है, नहीं आते अपने पीछे, डरते हैं साले, बोलते हैं हवेली उसके बाप की है, नहीं जाने का अंदर। कोई नहीं, फिलहाल अभी सोच रहा हूँ कि चल के ड्वाइट को उठा लेते हैं ढक्कन को, बांगड़ू पता नहीं कहाँ ही चला गया। देखो यहाँ पर देखो, देख रहे हो ना साला, अब तक कोने में मुँह छुपा के बैठा था, सोच रहा होगा मुँह दिखाने लायक नहीं रहा। अबे तू पहले से ही नहीं ये दिखाने लायक, फिर भी दिखाता है ना। ओके बांगड़ू ऊपर से कूदा, अभी मैंने देखा, और घूम रहा है, ढूंढ रहा है अपने को उधर ही, ढूंढ रहा है, उसको क्या मालूम इधर अपना सीन हो रहा है बढ़िया। ओके तो यहाँ पर हीलिंग वीलिंग बोले तो एकदम फर्स्ट क्लास हो गई है भाई, ड्वाइट को हील कर दिया है, आपन भी टकाटक है। अभी क्या एक ही जनरेटर, अबे बांगड़ू ऊपर से अचानक से कूदा हवेली पे, अपने को ही ढूंढ रहा था इतने समय से साला। भाई ये पहले झंडू जा रहा था ड्वाइट के पीछे, मैंने एकदम हल्के में लिया तो अपने को पेल दिया, लेकिन आपन हवेली में घुस गया बोले तो भूल जाओ, क्या क्या बोलते किलर लोग इसके बाप की। अब क्या बोलूँ मैं क्या करूँ, घुस गया तो भाई मैं क्या करूँ, घुस गया साला, अपने को लगा नहीं आएगा, घुस गया, क्या करने का अभी। ठीक है सबके सब जनरेटर ही हो गए भाई, बहुत ही बेकार टाइमिंग होती है साला अपनी। तो बस यार गेट वेट बंदे फटाफट से रेडी करें, और ये हाँ दड़ियल तो आ ही रहा है, दड़ियल जल्दी से आके अपने को सेव कर ले, ये तो बोले तो एकदम ही जल्दी आ गया, चलो बढ़िया है। और अभी मैं सबसे पहले यहाँ से फूटेगा नहीं, हील वील बाद में साले, पहले भागते हैं इधर से, उसके बाद ही जो करना होगा करेंगे। नहीं बांगड़ू आ गया साला ना, तो इस बार अपने को लेटा दिया ना, तो उधर ही शायद खड़ा होकर अपने को मारता रहेगा फिर। ओके बांगड़ू आसपास है साला, थोड़ा वो भाग रहा है सामने, शायद दड़ियल के पीछे गया क्या, हाँ ऐसा लग रहा है, इसीलिए भाई उधर से मैं सबसे पहले कल्टी मारा, अच्छा हुआ मैं निकल लिया वहाँ से, अपने को पता था। फिलहाल यहाँ पर दड़ियल को एक पड़ गई है, देखते हैं क्या ही सीन होता है। गेट ओपन हो चुका है, तो क्या लगता है भाई दड़ियल यहाँ तक आएगा या फिर डाउन हो जाएगा, पता नहीं। और हाँ आ गया, आ गया, आ गया भाई, आ गया, टेंशन की बात नहीं है, चल निकल ले आराम से। ये देखो साले भाई, ये जब जब फटका मारता है ये अपना बम्बू पीछे से ऐसे घुमाता है, और इसके बम्बू पे है ब्लेड, तो साले ने अपना पीछे से पूरा छील लिया है घुमा घुमा के, और भी पतला हो गया है। ओके तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी चैनल पे नया है ना भाई सब्सक्राइब करके ही जाने का। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में।